अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है और आप हॉर्स पावर पाकिस्तान कास्ट देख रहे हैं। ये एक अदद सुजुकी ऑल्टो है और देखने में तो बेचारी की हालत कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही, और ये शाहब साहब खड़े हैं तो इसका मतलब है कि इस ऑल्टो के साथ कोई फिल्म है। अस्सलाम वालेकुम शाहब, कैसे हैं आप? शाहब भाई, क्या सीन है इस ऑल्टो का? ये देखने में तो बड़ी बेचारी लग रही है। हमारे एक लाहौर के एक और कस्टमर हैं, लाहौर से मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ज़बरदस्त लोग पसंद कर रहे हैं माशाल्लाह जी। तो इसको गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है इसको सेट करने की। इसमें हमने इंजन डाला है KTN। चलो दिखाएं भाई KTN है तो। ओके ज़बरदस्त, इस तरह की गाड़ी में KTN डालना इम्पॉसिबल है तो, क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल इंजन है। अब स्टोरी इस गाड़ी की ये है कि ये गाड़ी फ्रंट से हिट हुई है, ठीक है, कम्प्लीटली हिट है और बहुत ज्यादा जंग है गाड़ी में, ठीक है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया है कि इसकी ये फ्रेम टोटली राइट साइड पे, ये इस साइड से हिट हुई है तो टोटली राइट साइड पे गया हुआ था। ठीक। तो जब हम इंजन लगा रहे थे तो हमें फाउंडेशंस लगाने में बहुत ज्यादा मसला हुआ होगा, बहुत ज्यादा इशू हुआ है और बहुत इसने हमें थकाया है, लेकिन फिर भी जो है ना हार नहीं मानी हमने अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने क्या किया कि इसका फ्रंट सारा खोला है, इसको वापस अपनी जगह पर लेकर आए इसके फ्रेम को, ठीक है, तब जाके फाउंडेशन अपने अपनी जगह पर बैठे, रेडिएटर अपनी जगह पर बैठा है, साइलेंसर की सेटिंग सारा कुछ A to Z हमने इसमें कर दिया है। इसके अलावा कंप्लीट इसकी सस्पेंशन हमने फ्रंट बैक की पूरी खोली है, ठीक है। बहुत बुरे हालात थे गाड़ी के तो अल्हम्दुलिल्लाह वो किए। अब इसमें ये कि कुछ फाइनल चीज़ें हैं, अभी आप देख रहे होंगे इस गाड़ी की जो अपनी वायरिंग है वो हाँ, बहुत बुरी हालात में हाँ, तो इस तरह की गाड़ी मतलब अभी इस पे काम चल रहा है और ये एक प्रोजेक्ट अभी थोड़ा चलेगा। अच्छा शाह, मैंने पूछा था कि अब कोई कस्टमर अगर आपको गाड़ी भेजना चाहता है तो अब जैसे ये गाड़ी है जिसके हालात थोड़े बुरे हैं, पंजाबी में कहते हैं हालात माड़े हैं, अब इस गाड़ी पे इतना खर्चा करना मतलब वर्थ इट है, या गाड़ी कम अज़ कम मॉडल कौन सा हो और हालत कैसी हो उसकी? अच्छा ये तो हुआ ये था कि थोड़ा सा मैंने जब मुझे गाड़ी मिल रही थी उस टाइम मैं अवेलेबल नहीं था, मेरी जगह मेरे वालिद साहब हैं उन्होंने गाड़ी ली, क्योंकि ये कस्टमर रात को आए थे तो आप चेक नहीं कर सके उस टाइम पे, चेक नहीं कर सका। अगर मैं चेक करता तो मैं उनको फिर अच्छा मशवरा देता कि आप ये गाड़ी इसमें ना करवाएं, गाड़ी एक्सीडेंटल ना हो। मैं हमेशा अपनी वीडियोस पे अपने चैनल पे ये बात करता हूँ कि आप गाड़ी एक्सीडेंटल ना हो और गाड़ी में जंग ना हो, बिल्कुल, तो ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। अब होता ये है कि आप अल्ट्रेशन कर रहे हैं, अल्ट्रेशन के जो इंजन होते हैं वो पावरफुल होते हैं बॉडी वाइज, ठीक है, और ये जो जैपनीज इंजन जितने भी ये काफ़ी पावरफुल हैं, पाकिस्तानी जो गाड़ी की जो बॉडी वो कमज़ोर होती है, तो आपको फिर बॉडी इस तरह की देखनी पड़ती है जो बिल्कुल रस्ट ना हो उसमें और एक्सीडेंटल ना हो। तो ये दो चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं कि आप मुझे इस तरह की गाड़ी देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से आपको कोई इशू नहीं होगा। ओके, अभी मेरा ख्याल है आपने ये रूम स्प्रे किया है इसका, इसका थोड़ा बहुत इसको कुछ शेप दी है, क्योंकि हालत ही इतनी बुरी थी गाड़ी की तो इस वजह से हमने कुछ हमने अपनी तरफ से किया है, लेकिन मेन जो इसका इशू था वो फ्रेम का था, तो वो हमने उसको ईच एंड एवरीथिंग अभी आप देख रहे होंगे इसका फ्रेम बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, और अभी मतलब अगर इसके खर्चे की बात करें तो खर्चा तकरीबन कितना आ गया होगा इस गाड़ी पे? इस पे आपका तकरीबन इन्होंने सस्पेंशन किया है, इंजन हुआ है और तकरीबन कुछ ये हल्का फुल्का कुछ फ्रंट का डेंट पेंट हाँ। तकरीबन 2 लाख रुपए इनके आए हैं गाड़ी। ओके, और वैसे इस गाड़ी की वर्थ क्या होगी जो इसकी बॉडी की हालत है? तो ये तकरीबन 4-1 लाख रुपए की गाड़ी मेरे समझता हूँ होती है, 4-5 लाख रुपए की गाड़ी आपको मिल जाती है अल्टो VXR अच्छी हालत वाली। अच्छी हालत अगर आप अल्टो VXR का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका बजट ज़्यादा है तकरीबन 7-8 लाख रुपए तक का है तो आप फिर अल्टो लें, आपको 5-1 लाख रुपए की अल्टो मिलेगी, 5.5 की मिल जाएगी तो ऊपर कुछ 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए लग जाएंगे, तो फिर उस हिसाब से आपकी महरान से बेटर ऑप्शन हाँ, और ये है डेफिनेटली ऐसे ही है। अभी तो थोड़ा सा इस पर काम भी चल रहा है और जब कंप्लीट होगी, धुलेगी, कुछ इसकी अच्छी शक्ल निकलेगी तो उसके बाद हम डेफिनेटली इसकी भी एक वीडियो बनाएंगे। अभी शाहब इस पर काम कर रहे हैं और शाहब मुझे यही बता रहे थे कि यार गाड़ी तो आ गई है, इंजन भी डाल दिया है, और बट अच्छी बात यह कि आपने पहले इसके ओनर को बताया था कि भाई पावरफुल इंजन है तो इंतज़ाम कर लें अपना। तो अभी इसके अलावा क्या हो सकता है? सर्वो तो मेरे ख्याल है ऑल्टो में ऑलरेडी होता है, ऑल्टो में होता है, इसका जो पावर स्टीयरिंग है वो रह गया, ठीक है, लग जाएगा इसको। फिर आप ब्रेक्स वगैरह अपग्रेड करोगे या टायर साइज अपग्रेड करोगे? हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है कस्टमर के बजट पर, ठीक है, हमारी तरफ से तो कोई मसला नहीं होता, हम तो रेडी बैठे होते हैं, हाँ आपको चाहिए हम लगा के देंगे,
लेकिन ये कि कस्टमर, क्योंकि अल्ट्रेशंस में आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, अब ये नहीं है कि आप कहें कि बिल्कुल बगैर पैसे लगाए काम हो, ऐसा नहीं होता। अगर आपको सुकून चाहिए तो ये इन चीज़ों में सुकून है। अगर आप, मैंने अभी रिसेंटली तकरीबन एक महीना पहले जो प्रोजेक्ट किया था केटन ए का, हाँ, तो इससे तकरीबन कुछ 4-5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बात की थी कि आप 660 cc से बेटर ये है कि आप 1000 cc का केटन ए, जिस पर काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे थे कि केटन ए नहीं लगता। हाँ। अभी भी मेरे पास जो कस्टमर आते हैं तो वो मुझे सबसे पहले बात यही करते हैं कि उन्हें किसी ने ये बात की है कि केटन ए इंस्टॉल नहीं हो सकता अल्टो में। हाँ। कभी वो हाइट में ज़्यादा है। हाँ। और वो लग नहीं सकता, तो ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगाए हैं। लास्ट जो मेरी केटन ए वाला जो प्रोजेक्ट था तकरीबन महीना पहले, तो वो अभी तक वो गाड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल, ओनर रिव्यू भी देखा आपके चैनल पे, देखा होगा मेरे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुश है, नो डाउट। मजे की बात ये कि ये इंजन आपको एवरेज भी 660 जितनी ही दे रहा है। ओके, मतलब ऑब्वियसली बड़ा इंजन है, हल्की बॉडी खींचने में उसको मसला नहीं हो रहा और इसलिए एवरेज भी अच्छी है। उनको 18 की एवरेज दे रहा है, जबरदस्त। तो लोकल में 15 दे रहा है, जबरदस्त, बेहतरीन है। ऑप्शन फिर आपके पास है नहीं, ऊपर से फुली जैपनीज है, 4 सिलेंडर है, ताकतवर इंजन है, ऑटो है, और गाड़ी आपकी एक छोटी सी विड्स बन जाती है, जो बन जाती है बिल्कुल सेम। आप जैसे आप अगर विड्स 1300 cc या 1500 cc चला रहे होते हैं तो हाँ। आपको सेम वैसी ही फीलिंग्स आती हैं, बिल्कुल वही वाइब आपको दे रही है। दूसरा इसमें मज़े की बात यह है कि आपकी लाइट्स, आपके बम्पर्स, आपके रिट्रैक्टेबल मिरर्स, फिर अंदर गत्ते वगैरह, हर एक चीज़ जो है ना वो जापानीज में कन्वर्ट हो सकती है, अवेलेबल okay. है। अभी जो हमारा एक और प्रोजेक्ट है वो हम टोटली उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, मैरून कलर की गाड़ी है, 2004 मॉडल की अल्टो, तो उसको हम कंप्लीट जो है ना JDM में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके okay. तो वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो भाई अभी हम आए हुए वर्कशॉप टूर पे और ये हमने अल्टो देखी है और आप लोगों के लिए कवर की है। तो अगर आप लोग गाड़ी में इंजन स्वैप करना चाहते हैं, इंजन तो डल जाएगा किसी भी गाड़ी में, पर अगर आपकी गाड़ी बॉडी वाइज स्ट्रांग होगी तो आप तो सली से चला सकेंगे और कोई फ्यूचर में मसले मसाइल नहीं आएंगे। एक और मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा, हाँ। हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप जब भी इंजन इंस्टॉल करते हैं अल्ट्रेशन का, तो आप मेक श्योर करें कि आप फ्रंट और बैक के दोनों जो सस्पेंशन है वो कंप्लीट खुलवाएं, ठीक है। चाहे आपकी गाड़ी में पहले से वो गाड़ी बिल्कुल ठीक हो, फिर भी आप उसको दोबारा खुलवाएं और उसकी चीज़ें दोबारा सेट करें, हर एक चीज़ को फ्रंट से बैक से। उसकी वजह यह है कि अगर आप अल्टो में करते हैं, ये इंजन काफ़ी हैवी है, ठीक है, तो अगर आपके सस्पेंशन पहले से अगर बेहतर भी हो, आप इंजन बड़ा डालते हैं तो आपकी आवाज़ें ऑटोमेटिकली निकल आती हैं, आना शुरू हो जाती हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप पूरा का पूरा सस्पेंशन खोलें, ठीक है, खुलवा दें उसको और वो पूरा का पूरा नया लगा दें, ठीक। जैसे कि हमने जो हमारा प्रोजेक्ट था पिछले मंथ का, उसमें हमने यही किया कि हमने पूरा का पूरा जो सस्पेंशन था वो खोला और उसको दोबारा, उसको हमने सेट करके दोबारा जोड़ा। उससे ये हुआ है कि जितनी आवाज़ें थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। ओके। और वो आपने शायद देखा भी हो कि वो कस्टमर जब यहाँ से लाहौर लेकर जा रहे थे तो तकरीबन 160 तक उन्होंने टच किया है गाड़ी को, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेटिस्फाइड थे इस चीज़ से। ज़बरदस्त, ये सारी कहानी है भाई। थैंक यू वेरी मच आप भाई, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, और अगली वीडियो में मुलाकात होते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।